हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडमायर ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इजी से दो हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल आप कहीं भी बना सकते हैं, बनाने में बहुत ही इजी है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को ज्यादा नहीं खोलते हैं, सेम चोटी बनाते हैं। तो सेम चोटी नहीं बनाइए डेली। मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही इजी हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जिसे बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक थम्स अप दीजिए और नीचे एक रेड बटन है उसे प्रेस करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हेयर स्टाइल है ये फिश टेल ब्रेड। इस ब्रेड के लिए हम सबसे पहले अपने बालों को किसी भी साइड आगे की तरफ निकाल लेंगे और अब लेंगे एक स्मॉल रबर बैंड और ये अपने बालों में लगा देंगे। और अब रबर बैंड के ऊपर वाले बालों को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और ये रबर बैंड वाले बाल अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी पीछे की तरफ से इसे हाथ से ऐसे निकाल लेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब लेफ्ट वाली स्ट्रेंथ में दो पार्ट करेंगे फिर से और रबर बैंड को अंदर की तरफ दोबारा मोड़कर बालों को पीछे की साइड निकाल लेंगे। अब राइट स्ट्रेंथ में दो पार्ट करेंगे और दोबारा से रबर बैंड को अंदर की तरफ फोल्ड करके बाल निकाल लेंगे पीछे। और ऐसे रोटेट करते हुए नीचे तक ये ब्रेड बना लेंगे। और अपने हाथों से इसे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे ताकि चोटी थोड़ी और फूली हुई दिखे और नीचे से आप जितने बाल चाहें उतने छोड़ सकते हैं। और ये हमने बना लिया बहुत इजी सा फिश टेल ब्रेड हेयर स्टाइल और इसमें वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा है। आगे के बाल आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है और ये बनाने में पहले वाले हेयर स्टाइल से भी ज़्यादा ईजी है। ये सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसके लिए हम अपने बालों को फिर से एक तरफ आगे की साइड निकाल लेंगे और अपने बालों को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले आप गर्दन की तरफ वाली स्ट्रेंथ से एक ब्रेड बना लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसकी चोटी बनानी है। एक रबर बैंड से इसे सिक्योर कर लेंगे। ये एक चोटी हमने रेडी कर ली है तो अब दूसरे बालों की भी चोटी बना लेंगे। लेकिन इसकी चोटी बनाने से पहले हम बीच में से थोड़े से बाल निकाल लेंगे ऐसे। बहुत ज़्यादा नहीं निकाले हैं, बस ये इस तरीके से छोटा सा सेक्शन ले जाएंगे और गर्दन के पीछे कर लेंगे इन्हें। अब इसकी भी चोटी बना लेंगे। इसकी चोटी भी एकदम सेम जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही बनानी है। और अब इसे भी हम एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। अब जो हमने बीच में ये बालों का सेक्शन छोड़ा था इनसे ये दोनों चोटियां हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इन चोटी में से एक चोटी के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाना है और इन बालों को इस तरीके से निकाल लेना है। अब दूसरी चोटी में से एक होल बनाना है और ये बाल ऐसे निकाल लेने हैं, बिल्कुल जैसे हम किसी कपड़े को सिलते हैं उसी तरीके से इन बालों को आपस में जॉइंट करेंगे। मुझे तो ऐसा ही फील आ रहा है जैसे मैं अपने बालों को ऐसे सुई धागे से सिल रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है इन्हें बनाने में और बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल ये बनने वाला है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है।
अब नीचे तक जॉइंट करने के बाद हम इन्हें रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। और अपने फ्रंट हेयर को ऐसे पीछे की तरफ टक कर देंगे। और ये थोड़ी सी मैंने फ्लिक्स निकाल ली हैं दोनों साइड। तो ये हमारा डबल प्रेड हेयर स्टाइल तैयार है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप भी इन्हें घर पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये सिंपल हेयर स्टाइल्स पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सब लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।